ये प्रयास किया। चाहे महान संत गाडगे जी हो, संत रविदास जी हो, कबीर साहब हो, गुरु नारायणा, ए वी रामासन, नायकर पेरियर, साथ ही साथ इस सदी के महानायक जो आज दुनिया में नहीं है, जो बांसु जीएस बोर्ड और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसी राम साहब के चरणों में और पूजनीय गुरु जी का स्नेह और सानिध्य, बच्ची गढ़ का स्नेह और सानिध्य मिला और दो शब्द रखने का मौका मिला। और यहाँ तो हम लोग पूजनीय भंते जी का जब आगमन होता है तब अपने को हम लोग रोक नहीं पाते। स्वाभाविक है, ये एक केंद्र बिंदु है, धर्म की कर्मस्थली है और यहाँ से प्रकाश पुंज के रूप में और पूरे संत कबीर नगर ही नहीं, अगल बगल लोग जो है यहाँ से प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि यहाँ के हमारे उपासकगण जो अपने कर्म से, जो अपने क्रियाकलाप से, जो इस बुद्ध विहार का नाम आगे बढ़ाने का काम किए हैं और जो गरिमा में उपस्थिति हमारे माता बहनें और उपासक लोग यहाँ पर समय समय पर अपना योगदान देते हैं, इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। मैं ऐसे मौके पर हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत पूजनीय भंते जी यहाँ पर बैठे हैं, उनके सामने कुछ कहना तो ये अपने के लिए हिस्सा होगी। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन जाना होगा। दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन जाना होगा। अपने जीवन काल में इंसान देश के लिए, समाज के लिए जो कुछ कर जाता है वही यादगार बन करके रह जाता है। हर इंसान को चाहिए, चाहे जो लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, अपने जीवन में कोई न कोई लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, हमें भी कोई पूर्ण काम करना चाहिए और वो अपने आप जो है उसका प्रकाश, उसके प्रकाश से लोग प्रकाशित होते हैं, उसके क्रियाकलाप से, व्यक्ति के व्यक्तित्व से, उनके क्रियाकलाप से उन्होंने अच्छा काम किया है तो उसे प्रेरणा मिलती है समाज को। आज पूजनीय इंद्रवंश जी हमारे बीच में नहीं है बलते जी, लेकिन स्वाभाविक है उन्होंने बुनियादी काम किया, इतना बड़ा काम किया, जहाँ ऐसे महापुरुष, ऐसे जो प्रकाश पुंज के रूप में जो दिशा देने वाले हमारे पूज्य भंतेगण यहाँ पर हमेशा हर कार्यक्रम में आते हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं और स्वाभाविक है ये केंद्र बिंदु जो है परसा बुद्ध विहार, यहाँ से बहुत ही दूर दूर तक हमारी बात फैल रही है और लोग प्रेरणा लेते हैं। मैं ऐसे मौके पर ज़्यादा वक्त जो अभी कार्यक्रम हमारे माननीय उदय भान जी जो राजनीति से लेकर के हर सामाजिक कार्यों में राजेंद्र आजाद जी बैठे हैं और तमाम लोग हमारे विद्वान साथी बैठे हुए हैं, मैं ऐसे मौके पर ये कहना चाहता हूँ जो कार्यक्रम इन्होंने बताया है माननीय पूजनीय चंद्रमा भंते जी ढेरों का कार्यक्रम जो बनारस से चल करके आज श्रावस्ती तक का कार्यक्रम लगा हुआ, हमें भी उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए और हम लोग भी शामिल होंगे। मैं ऐसे मौके पर ज़्यादा वक्त ले करके मैं पुनः जो है पूज्य भंतेगढ़ के चरणों में नमन करते हुए और तथागत बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए और बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए, पूजनीय इंद्रवंश भंते जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए, आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं यहीं पर, और जो उपासक गण हैं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यगण हैं जो इतना पुनीत काम कर रहे हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करें। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।